नमस्कार दोस्तों, आइए दोस्तों आज हम पार्ट 31 इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों कि यह व्यू को कैसे हम चार कोऑर्डिनेट में खोलते हैं और उस चार कोऑर्डिनेट को हम एक्स एक्स अक्ष तथा वाई वाई अक्ष में तथा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तथा वर्टिकल प्रोजेक्शन मतलब एचपी है या वीपी है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है कि राइट हैंड साइड व्यू है, इसको कंफर्म करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि दिए गए ऑब्जेक्ट में आइसोमेट्रिक व्यू को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट हाफ फ्रंट साइड में आप ड्राइंग पेपर पर ड्रा करके क्लियर कीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों एक एक बार करके हम डायमेंशन को पहले चेक कर लेते हैं और सबसे पहले बात देखते हैं कि इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई जो हमारा रहेगा वो दोस्तों 96 है और आपका चौड़ाई जो रहेगा वो दोस्तों 60 है और ऊंचाई का रहेगा दोस्तों वो 50 है। 50 को कैसे करेंगे देखेंगे, यहां से लेके यहां तक आपका 20 आ रहा है बट इसका क्या है यहाँ पे रेडियस 30 दिया है दोस्तों, तो 30 जब जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा 50। तो आइए क्लियर करते हैं, ये हमारा दिया है टीएबी मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, टीएबी में इसको लेके चलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों सम्मुख, मैं मान लीजिए इसके ठीक सामने खड़ा हूँ तो साइड अगर हमारा इधर है तो किधर बनेगा दोस्तों, ये हमारा क्या बनेगा, ये दायां है तो ये बायां है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्या लिखेंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और इधर अगर हमारा साइड यस आता है तो लिखेंगे राइट हैंड साइड व्यू। तो हमको किधर से लेना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू से लेना है, तो हमारा साइड व्यू जो बनेगा दोस्तों इस साइड में बनेगा और फ्रंट जो बनेगा दोस्तों इस साइड बनेगा और टॉप जो बनेगा सिक टॉप के ऊपर बनेगा, ठीक है। और फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि साइड व्यू हमेशा प्रथम चतुर्थांश में ऊपर चला जाता है और टॉप को नीचे कर दिया जाता है, लेकिन थर्ड में क्या होता है टॉप को ऊपर रखा जाता है और फ्रंट को नीचे और साइड को जिधर राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है जिस साइड में उसी साइड में उसको क्लियर कर देंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगला, यहाँ देखेंगे दोस्तों कि हम फ्रंट है और फ्रंट को देखेंगे डायरेक्ट, तो फ्रंट को क्या करेंगे दोस्तों इसको ठीक अपने सामने रखेंगे तो इसको ऐसे सीधा करेंगे, जब उसको सीधा करेंगे दोस्तों तो क्या करना है यहाँ पे रखेंगे और सबसे पहले 96 का डायमेंशन रखेंगे और हाइट कितना था 50, तो 50 यहाँ से ले लेंगे दोस्तों, कितना ले लेंगे मान लीजिए हमने 50 ले लिया, फ्रंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 50 लेने के बाद से 96 तक दोस्तों हम चले जाएंगे, कितना तक 96 तक दोस्तों हम चले गए, ठीक है। जब 96 हम चले जाएंगे तो 96 जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, बीचों बीच में एक सेंटर लाइन मारते हैं, ठीक है, और ये भी 50 आके यहाँ पे बंद कर देंगे, ये आपका हो गया 50 का, ये आपका हो गया दोस्तों 50 का और ये आपका हो गया 96 का। अब 96 के बीचों बीच में क्या करेंगे एक सेंटर लाइन मारेंगे, ठीक है। सेंटर लाइन मारने के बाद दोस्तों इसकी जो रेंज हाइट है वो 60 है, यहाँ से यहाँ लेंथ जो है 60 है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है 10 है, यहाँ से यहाँ 10 20 20 हो जाएगा, यहाँ नापेंगे 20 का 20 का पॉइंट लेके दोस्तों ये क्या करेंगे सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच लेंगे, तो ये लाइन आपका सीधे खींच जाएगी, लेकिन अभी आपका उसमें क्या सर्किल बनाना है, ठीक है, लेकिन एक और नीचे खींचेंगे तो ये 10 का लेके यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे दोस्तों, क्लियर। ये जब दोस्तों इतना क्लियर हो जाएगा के बाद से हम क्या करेंगे यहाँ से ये माप और यहाँ से ये माप दोनों हम क्लियर करेंगे, तो कैसे क्लियर करेंगे, मान लीजिए ये 60 है दोस्तों, आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ से हम 18 का पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ से हम 18 का पॉइंट लगा लेंगे, तो ये वाला 18 जो है दोस्तों यहाँ पे हमारा मिल जाएगा और ये वाला 18 जो है दोस्तों यहाँ पे हमारा मिल जाएगा। अब इसके बाद से ये साफ कर देंगे दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा नहीं है और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा नहीं है, आप बिल्कुल ये देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं है वो कैसे है, जब मैं आप इधर से देखेंगे तो यहाँ देखिए नीचे से उसका बेस ऐसे कटा हुआ है, ठीक है, तो जब मैं इधर से देखूंगा तो ये दोस्तों आपको उसमें मैच करके दिखाई देगा, तो ये वाला लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे और ये भी वाला लाइन यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे दोस्तों जो मैं इधर से देख रहा हूँ आगे उस पोर्शन में जाकर देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से जो कटा हुआ है रेडियस कितना का 10 का, तो रेडियस 10 का जो है दोस्तों उस रेडियस 10 में ये जो हिडन लाइन आपको बनेगी उसी इसी लाइन में आपका क्या 10 का यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे एक हिडन लाइन दर्शाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसी बीच वाले में क्या करेंगे दोस्तों हिडन लाइन दर्शा देंगे, इसी बीच वाले में क्या करेंगे दोस्तों हिडन लाइन दर्शा देंगे, क्लियर, ये आपका जो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस वाले में नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वाला देखिए आप जब इधर से देखेंगे तो ये पूरी तरह से 100
सॉलिड है लेकिन नीचे से उसमें खाली है दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे हम इसको, इसको लेने के बाद से हमको दर्शाना ही क्लियर है। जब ये कर लेते हैं दोस्तों तो ऊपर आके देखते हैं दोस्तों सर्किल वाला, तो सर्किल का क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला यहाँ से 20 को पॉइंट मार के कितना है 30 डाया का लिया हुआ है। तो ये पॉइंट मारे में दोस्तों डाया 30 है, मान लीजिए डाया 30 है तो कितना है इसका आधा लेंगे तो 15 लेंगे, तो यहाँ से 15 इधर ले लेंगे दोस्तों, यहाँ से 15 इधर ले लेंगे, ठीक है। तो ये 15 इधर लिए और ये 15 इधर लिए तो क्या एक सर्किल बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ 15 यहाँ इसमें नीचे से 5 एमएम छोड़ के एक सर्किल बनेगा, ये छोड़ के एक सर्किल ऐसे बनेगा दोस्तों, ठीक है। ये सर्किल ऐसे बनेगा, जब ये सर्किल ऐसे बन जाएगा तो दूसरा सर्किल कितना बनेगा, दूसरा सर्किल हमारा रेडियस 30 का है तो यहाँ से 30 लेंगे दोस्तों। तो जब यहाँ से 30 लेंगे तो ये वाला नीचे वाला 90 इसके बराबर ये आपका कुछ इस प्रकार से आएगा और इसमें मैच कर जाएगा, ये आपका क्लियर हो गया। इसको क्या करेंगे अब दोस्तों, ये जो है हमारा हम इसको सेंटर लाइन दर्शा देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे सेंटर लाइन दर्शा देंगे, इसी को भी क्या करेंगे दोस्तों ये खाली हो जाएगा क्योंकि उसके बीच है नहीं वो, तो जो है नहीं तो बिल्कुल ये सीधा खाली हो जाएगा, ये भी सीधा खाली हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लाइन है नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा, और ये वाला लाइन है नहीं तो ये भी वाला खाली हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं हम इसमें, ये जो सर्किल है ये इसका कितना बन जाएगा दोस्तों, जिसको हम कितना लिखेंगे डाया 30 है, तो ये मान लीजिए इस तरह से एरो मारने के बाद से जब ये एरो यहाँ पे और ये बात निकालने के बाद यहाँ पे डाया 30 हम लिखेंगे, ठीक है डाया 30। अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है दोस्तों एक का हमारा कितना बन रहा है दोस्तों रेडियस 30 का, तो 30 गुणी 60 का होगा, तो जो 60 का होगा दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए 20 है और ये मान लीजिए 30 बनेगा, ठीक। तो क्या जाएंगे दोस्तों, अब देखिए जब ये फ्रंट आपको सीधा है और इसके बगल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको फ्रंट के रूप में दिखाई दे रहा है, इस साइड में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करेंगे दोस्तों ये वाला लाइन आपको यहाँ से समाप्त कर देनी है बिल्कुल, ठीक है। जब ये समाप्त हो जाएगा तो इस पैरेलल लाइन के आर्च के बराबर अगर बात करेंगे तो ये वाला जो हमने अभी सर्किल आपको बनाया था तो वो 50 का बनेगा, तो ये वाला लाइन जो आपका 50 का बनेगा तो यहाँ तक पूरा लेके बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा दोस्तों 50 का सर्किल बनेगा, ये वाला ऊपर वाला पार्ट का बनेगा, तो बाकी ये और ये यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों इसको हम किस तरह से करेंगे, तो हमारा आर हो जाएगा, ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा आर बराबर या आर 30 का हो जाएगा, मतलब 30 इधर यहाँ सेंटर लाइन से और 30 इधर यहाँ सेंटर लाइन से, और यहाँ से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 20 ये हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो 30 20 50 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ छूट रहा है दोस्तों, ठीक है। ये नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे मैं बॉक्स बनाया हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट सॉलिड है वो दिखेगा, और ये जो हिडन लाइन मैं दर्शाया हूँ दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रही है वो हिडन लाइन ये वाला जो सर्किल है यहाँ पे वो दिखेगी, ठीक है। तो ये दोनों में दिखेगी, ये भी दोनों में दिखेगी, ये आपका यहाँ वाला पार्ट है और ये वाला सर्किल यहाँ का है और ये वाला सर्किल जो है दोस्तों यहाँ का है, अब इसके बीच में कुछ आपका छूट नहीं रहा है। ये वाला जो हिडन लाइन आपको पीछे का छूटा हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है, और ये वाला हिडन लाइन जो यहाँ का दिखाई दे रहा है वो ये है, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये फ्रंट क्लियर हो गया, अब टॉप पे चलते हैं, ये फ्रंट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे डायमेंशन करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 60 लिख लेंगे, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 रहेगा, लेकिन यहाँ से लेके और यहाँ से लेके दोस्तों 96 रहेगा, ठीक है 96 रहेगा। अब चलते हैं टॉप पे दोस्तों, आप क्या करते हैं दोस्तों टॉप बनाने के लिए जब हमने इसको ऐसे किया तो ये वाला जब ऐसे होगा तो ये सेंटर लाइन बिल्कुल सीधे यहाँ से निकल जाएगी, तो ये सेंटर लाइन आप सीधे यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। जब ये निकाल देंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है ये जो सर्किल आपको दिख रहा है वो जब ऊपर से देखेंगे तो हिडन लाइन बनेगी, क्लियर। तो वो हिडन लाइन में भी ये हिडन लाइन आपका हो जाएगा, ये यहाँ से ये इसके बराबर ये भी हिडन लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये भी हिडन लाइन हो गई दोस्तों और ये भी हिडन लाइन हो गई दोस्तों और ये जो है दोस्तों वो सेंटर लाइन आपका हो गया, तो तीन लाइन यहाँ पे बन के तैयार। ये जो चौथा है दोस्तों यहाँ से ये भी आपका दिखाई देगा तो वो हिडन लाइन की तरह नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप ऊपर से तो देख रहे हैं कि ये एक समानांतर लाइन की तरह दिखाई दे रहा है, आउट लाइन की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये वाला लाइन यहाँ से
आउटलाइन की तरह रखेंगे और ये भी यहां से क्या करेंगे आउटलाइन की तरह रखेंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये इनकी चौड़ाई कितनी है 60 की, तो यहां से लेके यहां तक क्या करेंगे दोस्तों 60 का एक पॉइंट लगा देंगे, कितना का बनेगा 60 का बनेगा। तो जो 60 है दोस्तों हमारा वो यहां से यहां तक है और 96 का हम बना रहे हैं, तो 96 यहां से ले लेंगे दोस्तों और ये 60 ले लेते हैं, यहां पे हमारा मिल जाएगा ठीक है। ये टॉप का पार्ट बनेगा, अब इस टॉप में ये वाला जो पार्ट है वो नहीं रहेगा, आपका जो डायमेंशन है दोस्तों उसी के हिसाब से बनेगा और उसके हिसाब से 60 का चौड़ाई है तो 60 में चौड़ाई दे दिया, ये सेंटर लाइन का पॉइंट हो जाएगा बीचों बीच का, ये आपका जो छोटा सर्किल है वो ये और ये सर्किल का ये वाला हिडन लाइन हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे इसके बाद से, यहाँ पे जो बीचों बीच का सेंटर है वो इसका ये सेंटर है ठीक है, तो 60 का आधा हमारा 30 हो जाएगा, तो 30 में क्या करेंगे दोस्तों यहां से ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे ये वाला जो पॉइंट आपको मिल रहा है यहां से बीचों बीच एक और सेंटर लाइन बनेगी ठीक है। जब ये सेंटर लाइन हो जाएगी इस सेंटर लाइन के इधर में रेडियस 10 का है, तो रेडियस 10 का मतलब यहां से दे रहा है वो 10 इधर और 10 इधर, तो मतलब 20 का हमारा सर्किल बना हुआ है, तो यहां 10 ले लेंगे और यहां 10 ले लेंगे, तो 10 10 20 और 10 30 10 40 उसके बाद 10 50 10 60 तो ठीक है। तो यहां से हम एक सर्किल ये ले लेंगे और यहां से एक सर्किल ये ले लेंगे ठीक है। लेने के बाद से दोस्तों अब इस साइड और बी साइड, मान लीजिए ये 20 का है तो 20 उस साइड और 20 इस साइड बचेगा, लेकिन यहां से जब टॉप को हम देख रहे हैं तो नीचे देखिए यहां पे 10 का खाना एक आपका हिडन लाइन छुपी हुई है, यहां नीचे खाना छुपा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे इस मान लीजिए 20 का है तो ये भी 20 का होगा, तो इस 20 में दोस्तों एक हिडन लाइन यहां पे हमको दर्शाना है, जैसे मान लीजिए ये टॉप है तो इसके नीचे हम दर्शाएंगे, ये टॉप है तो इसके नीचे हम दर्शाएंगे, ये टॉप है तो यहां पे हम दर्शाएंगे, ये टॉप है तो यहां पे हम दर्शाएंगे क्लियर। अब ये कहिए कि इसको क्यों नहीं दर्शा रहे हैं, इसको हमने क्या किया इस पार्ट वाले में यहां पे हमने हिडन लाइन में इसको हमने दर्शा दिया ठीक है, और इसके जो टॉप है हमने यहां पे दर्शा दिया ठीक है, इसके जो टॉप है हमने यहां दर्शाया और इसका जो टॉप है दोस्तों यहां पे आपने दर्शा दिया, तो आपका टॉप भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं फ्रंट में दोस्तों ठीक है, तो फ्रंट पे देखिए दोस्तों सिंपल है फ्रंट एकदम, अब साइड व्यू चलते हैं दोस्तों, तो यहां पे बात करेंगे हम साइड व्यू का, तो जो साइड व्यू वो हमारा डायमेंशन कितना है दोस्तों 60 का, तो इसी के पैरेलल हम क्या करेंगे दोस्तों 60 चले जाएंगे, कितना दोस्तों 60 मान लीजिए हम चले गए ठीक है। अब जब चले गए 60 तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये 40 है दोस्तों और यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो आपका 60 नीचे लिखा हुआ है ठीक है। अब क्या करेंगे 60 का आधा कितना है और सेंटर लाइन लगा देंगे दोस्तों यहाँ पे ठीक है, सेंटर लाइन लगा देंगे और सेंटर लाइन के बाद हम क्या करते हैं जो हमारा सेंटर लाइन है वो रेडियस 10 का, तो 10 इधर और 10 इधर मतलब 10 इधर और 10 इधर का एक क्या करेंगे ऐसे सीधे लाइन खींचेंगे और ये भी क्या करेंगे एक ऐसे सीधे लाइन खींचेंगे, जब इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे तो ये वाला सीधे बनेगा दोस्तों ठीक है, आपका ठीक साथ से वाला ये वाला पार्ट बनेगा, लेकिन उसके बाद 10 का फिर है और उसके बाद 10 का फिर है, लेकिन यहाँ भी 10 का एक वर्ग जैसा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे यही लाइन का एक सीधे ऐसे लेके जाएंगे और इसी के पैरेलल ये भी लाइन लेके जाएंगे और ये हिडन लाइन है दोस्तों, वो हिडन लाइन हम यही से दर्शा देंगे ठीक है, यही सबने हिडन लाइन दर्शा दिया और ये सर्किल जो है उसी के पैरेलल एक और हिडन लाइन यहाँ पे दर्शा देंगे और ये 60 में पैरेलल यहाँ से मिल जाएगा ठीक है। जब ये मिल जाएगा तो ये जो 10 का कोना बना है यहाँ भी 10 का कोना बनेगा और ये जो 20 का एक कोना बना है तो यहाँ भी एक 20 का कोना बनेगा, इधर भी वही 10 का एक कोना बनेगा और यहाँ भी दोस्तों क्या है 20 का एक कोना बनेगा। अब ये पूछिए कैसे मैंने बनाया, तो देखिए ये वाला बीच का जो पार्ट है दोस्तों ये यहाँ से ये पार्ट हो गया क्लियर, बीच की जो सेंटर लाइन है दोस्तों वो सेंटर लाइन ये क्लियर क्लियर, अब ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो ये बताइए जब आने के बाद से ये जब आ गए हो आप तो यहाँ से 10 मिनट छोड़ोगे तो यहाँ भी 10 मिनट छोड़ोगे और ऐसे लेके जाओगे तो ये वाला पार्ट यहाँ बन रहा है क्लियर, जब ये वाला बन रहा है तो एक और खाना बनेगा ना तो वो भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, तो जब ये वाला खाना बनेगा और ये वाला खाना बनेगा तो आपका दोनों क्लियर हो जाएगा ठीक। लेकिन इसमें क्या गलती और हो रही है कि हमें डबल
नहीं बनाना, अभी सिंगल बनाना, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे, जब आप ये वाला बना देंगे तो ये वाला पार्ट इसमें मैच करेगा, क्लियर। अब जब ये वाला पार्ट आपका नहीं रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट जब बना देंगे तो ये वाला पार्ट इसमें जाके ऐसे रहेगा। अब देखिए ये वाला खाना मतलब है यहां से लेके ये। अब दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पे कि जो ये वाला टॉप हमने सामने से देखा था, ये वाला जो आपको सामने दिखाई दे रहा है मतलब साइड व्यू, ठीक है, तो ये भी तो देखेंगे हम, तो यहाँ से ये वाला पार्ट खत्म हो रहा है, तो ये वाला जब बनाएंगे दोस्तों तो ये क्या करेंगे, देखिए ये सीधा ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये सीधा मिल गया, मिलने के बाद आपको ये देखना है तो जब ये देखेंगे तो ये लाइन नहीं रहेगी आपको, ठीक है। ये हिडन लाइन में इसलिए बताया हूँ कि अंदर वाला सर्किल जो है आपको दिखाई नहीं देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिडन लाइन के द्वारा हमें क्या करेंगे दोस्तों, दर्शाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये इस प्रकार से रहेगा, ना ही सेंटर इसमें लाइन रहेगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन यहाँ का पोर्शन बनेगा और ये हिडन लाइन इसके नीचे दिखाई देगी। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ की जो बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्लियर होगा और ये सेंटर लाइन आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। और सेंटर लाइन बनने के बाद से दोस्तों अब क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर लाइन यहाँ का होगा, क्लियर। अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ का जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो ये वाला पार्ट बना, बीच वाला ये पार्ट है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक बना, ये वाला पार्ट है दोस्तों यहाँ का पार्ट बनेगा और ये वाला पार्ट जो दोस्तों है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। अब हिडन लाइन की बात करेंगे तो ये जो हिडन लाइन है आपका दोस्तों, ये जो सर्किल है वो सर्किल का यहाँ पर मतलब जो 10 का है वो 5 तक ही छूट रहा था, तो वो 5 इंच दोस्तों यहाँ से जो सर्किल आ रही है वही हमारा ये हिडन लाइन ऐसे चला जाएगा लगातार, और ये हिडन लाइन इस सर्किल के बराबर जाएगा और ये हिडन लाइन इस सर्किल के बराबर चला जाएगा। ये वाला खाना यहाँ का बनेगा, ये वाला खाना यहाँ का बनेगा, ये यहाँ का बनेगा और ये इस साइड का और इस साइड का बनेगा और ये जो बन रहा है दोस्तों यहाँ का बनेगा। आपका टॉप क्लियर हो गया दोस्तों, टॉप क्लियर हो गया, फ्रंट क्लियर हो गया और ये आपका साइड भी क्लियर हो गया दोस्तों, ये आपका खाली रहेगा। अगर सिंबल की बात करेंगे तो छोटा सर्किल बड़ा सर्किल और इसके बराबर एक कुछ इस प्रकार से आपका थर्ड एंगल का सिंबल बनता है, ठीक है। तो अब आइए दोस्तों डायमेंशन के साथ हम क्या करेंगे, किस प्रकार से ये 10 का था दोस्तों, ये 10 का था, ठीक है, और पूरा मिला के ये 50 का था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पूरे ऑर्थोग्राफी व्यू को अब हम इसी तरह से आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करते हैं, देख लेते हैं एक बार दोस्तों किस प्रकार से हम करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम सबसे पहले सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर लेंगे और एक लंबी रेखा खींचेंगे, लंबी रेखा खींचने के बाद से पूरी डायमेंशन की लेंथ कितनी थी, 96 था, 60 था और 50 था, ठीक है। जो 96 और 60 और 50 था उसको 96 से हमने क्या किया, इधर ले लिया दोस्तों, तो 96 ले लेंगे, इधर का क्या था 60 को 60 ले लिया दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, साइड और फ्रंट का काम है इसमें, तो फ्रंट इधर हो जाएगा, ये फ्रंट है, यस का साइड, तो फ्रंट को हम इधर रखेंगे और साइड को इधर, ये कितना ऊंचाई तक गया, 20 एमएम तक, तो 20 एमएम हम ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, और इस साइड में भी 20 एमएम, तो 20 एमएम ले लेंगे। अब यहाँ से ये 10 का है तो ये 10 सीधे लेके चले आइए और ये भी 10 सीधे लेके चले आइए, ठीक है। बीच में हमें सेंटर लाइन दिया है, सेंटर लाइन मतलब 96 का आधा करना है, तो 96 का आधा पर एक सेंटर लाइन दे देंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, साइड व्यू को लेते हैं और वो भी चलते हैं, ठीक है। साइड व्यू को लेंगे दोस्तों, यहाँ से आपका 20 एमएम तक का ये कवर करेगा, ठीक है। जो ये वाला आपको लाइन दिख रही है, जो ये वाला लाइन आपको दिख रही है, ये कितना था, 10 का था, ठीक है। ये भी कितना था, 10 का था, ये भी कितना था, 20 का था, तो 20 और 20 40 हो गया और ये 20 आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 10 का, ठीक है, ये 10 का और इधर 10 का और इधर 10 का, तो मतलब क्या है, यहाँ पे सेंटर लाइन मारेंगे फिर से, ठीक, और इस सेंटर लाइन से 10 इधर और 10 इधर, ठीक है, उसमें एक वर्टिकल लाइन खींचना है आपको, सीधे ऐसे वर्टिकल लाइन खींचने के बाद से जिस प्रकार से हम सर्किल बनाते थे, मतलब कैसे बनाते थे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम बनाते थे, ठीक है, इस प्रकार बनाते थे और उसमें क्या करते थे दोस्तों, इस प्रकार से काट देते थे, काटने के बाद से यहाँ रखने के बाद से इसमें ऐसे काटने के बाद ये सर्किल हम इस प्रकार से बनाते थे, किस प्रकार से, कंपास के द्वारा, डिवाइडर के द्वारा, इस प्रकार से सर्किल बनाते थे, टॉप भी ऐसे बनेगा, फ्रंट भी ऐसे बनेगा, तो टॉप वाला अगर बनाएंगे तो यहाँ से ये गिरेगा
और ये सर्किल बनेगी ठीक है ऊपर वाला। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसका वीडियो बना चुका हूं मैं, देख लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, अब टॉप वाले को रखेंगे तो ये वाला यहां पे कवर करेगा, क्लियर। और ये बीच का पॉइंट यहां से समाप्त हो जाएगा, ये केवल सेंटर लाइन आपको दिखेगी, ये वाला पॉइंट यहां पे कवर करेगा और ये समाप्त हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से यहां पे कवर करेगी, तो जो ये आपको दर्शा दे रहा है, क्लियर। अब इसके पास ये वाला पॉइंट है दोस्तों, तो 10 एमएम का ये ऊपर जाके यहां से कटा हुआ था, तो ये यहां से समाप्त हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो ये 18 था दोस्तों, तो 18 पर आएंगे और 18 ले जाने के बाद इधर और 18 इधर, ये यहां से समाप्त हो जाएगा और ये यहां से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें मिलेगा और ये इसमें मिलेगा, क्लियर। ये इतना हो गया दोस्तों, ये इसके नीचे का पार्ट है, ये इसके नीचे का पार्ट, ठीक। जब इतना क्लियर हो गया तो ये भी तो आएगा 10 इसमें, तो ये भी तो यहां से समाप्त होगा। ये इतना क्लियर होने के बाद से आप क्या करेंगे, ये सीधे बॉक्स बना लेंगे दोस्तों। किस प्रकार से सीधे बॉक्स बना लेंगे, तो जब सीधे बॉक्स बनाएंगे तो ये आपका यहाँ आएगा और इसमें जाके मिल जाएगा, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से बॉक्स बनेंगे हमारे, ठीक है। ये रहा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब ये वाला सेंटर लाइन दोस्तों ठीक ऐसे इसी प्रकार से चले जाएगी, तो जब आएगी दोस्तों तो यहाँ पे भी एक सर्किल था जो टॉप हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। जो टॉप हमने यहाँ पे बनाया, जब ऊपर से रखेंगे तो बॉक्स बनाने के बाद, तो जब यहाँ रखेंगे तो इसकी भी सेंटर लाइन रहेगी और ये इसमें से गायब हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से रहेगी। अब क्या करेंगे, इसका सर्किल बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से इसमें आएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 20 mm पे था तो 20 mm पे सर्किल हमारा है। अब ये डायर 30 का है, तो डायर 30 मतलब यहाँ लेंगे तो 15 इधर रहेंगे, 15 इधर, और जब सर्किल मारेंगे तो कौन सा सर्किल मारेंगे, ये वाला सर्किल दोस्तों यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो जब ये रखेंगे तो आपको इसमें कांच छांट के बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको बनाना पड़ेगा, ये हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा आपका, ये एक्स्ट्रा वीडियो में अलग से बता चुका हूँ, ठीक। तो जब ये बन गया दोस्तों, तो इसके अंदर का ये सब समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और क्या केवल बच जाएगी, केवल सेंटर लाइन बच जाएगी, क्या बच जाएगी दोस्तों, केवल सेंटर लाइन बच जाएगी इसके अंदर का, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका केवल सेंटर लाइन बच जाएगा, ये रहा आपका ये वाला सर्किल, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब दूसरे वाले का क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे वाला यहां से लेके यहां तक ये भी इस पे जब बनाएंगे तो वही वाला सर्किल, जब आधा काट के ऊपर से रखेंगे तो ये यहां से इसी के पैरेलल से क्या करेगा, वो भी इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो जब ये बन जाएगा तो बनने के बाद अब क्या करते हैं दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों यहाँ से हम समाप्त कर देते हैं और ये वाला पार्ट यहाँ से समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का हमें दिखेगा, ठीक। जब ये वाला क्लियर हो जाएगा दोस्तों, तो ये एक 30 डिग्री मतलब ऐसे एक अच्छी लाइन से ऐसे खींचेंगे, ये इसमें मिलेगा और ये इसमें मिलेगा, ठीक है। ये वाला किसमें मिलेगा, ये इसमें मिलेगा, ठीक है। ये वाला जब इसमें मिलेगा तो ये अनंत तक जाएगा, ये भी हमें पता नहीं है कहां तक जाएगा। और जाने के बाद से ये सेंटर लाइन 30 डिग्री पर खींचेंगे, और जो ये सेंटर लाइन खींचेंगे दोस्तों, ये वाला जो सेंटर लाइन उससे वर्टिकल लाइन खींचेंगे और वहां से सेंटर मार के सर्किल बनाएंगे, तो ये वाला सर्किल दोस्तों यहाँ पे बनेगी और ये बाहरी लाइन सारा मिटक जाएगा, ठीक है। और ये भी यहाँ से मिटक जाएगा, ये भी यहाँ से मिटक जाएगा, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ये भी समाप्त हो जाएगा और ये भी यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अब देखिए ये वाला ये पोर्शन आपका बन के तैयार हुआ, ये पोर्शन यहाँ से बन के तैयार हुआ, और साइड व्यू की बात करेंगे तो ये वाला यहाँ का तैयार है, ये वाला यहाँ का तैयार है, और ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो साइड व्यू बन के तैयार हुआ, हिडन लाइन की बात करेंगे तो ये हिडन लाइन बनेगा, टॉप की बात करेंगे ये दोनों सर्किल यहाँ का सर्किल बनेगा, और ये सेंटर लाइन जो है ये बीच वाला सेंटर लाइन है। हिडन लाइन की बात करेंगे तो ये और ये हिडन लाइन बात करेंगे, और ये जो आपका डार्क लाइन यहाँ पे दिख रहा है ये वाला और ये वाला यहाँ और यहाँ का, तो यही वाला जो पॉइंट है ये यहाँ का डार्क लाइन दिख रहा है आपका, पूरा ये कम्प्लीट हो गया दोस्तों। ये आपका छूट रहा था, ये भी हमने क्लियर कर दिया आपका, इसमें से हमें लगता है कि अब कुछ छूट नहीं रहा, ठीक है। और ये वाला दोस्तों यहाँ पे पूरा सर्ट के गया, ठीक है, इसको और यहाँ से सीधे ऐसे गिर हुई थी, एक वर्टिकल लाइन गिरी हुई थी, ये आपको और जो ऑफिस है आइसोमेट्रिक क्लियर करवा दिए और आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक क्लियर करा दिए। अब आप यहाँ से और डायमेंशन आ रही में लिख सकते हैं और इसको जैसे जो डायमेंशन दिया डायमेंशन दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी होती जाती है इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो आप अगले अगले वीडियो में करके हल्का हल्का एक बार बताता हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। जो डायमेंशन है एरो देकर डायमेंशन लिख दीजिए, बाहर का डायमेंशन बाहर का, अंदर का डायमेंशन अंदर का, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।